हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम ME 305 पावर जनरेशन के अंदर उसकी सेकंड यूनिट है, सेकंड चैप्टर थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इसी यूनिट के थर्मल पावर प्लांट में कोल हैंडलिंग सिस्टम तक पढ़ा था। अब हम आज इसके अंदर एश हैंडलिंग सिस्टम और कंबशन इक्विपमेंट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो एश हैंडलिंग सिस्टम, सबसे पहले एश किसको बोलते हैं? अगर आप सब लोग बच्चे जानते हैं तो पहले अपन जो कोल को अगर हम जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, कोयला जलने के बाद राख जो बचती है उसको हम ऐश बोलते हैं, राख जो बचती है ना। तो कोयले के बर्निंग ऑफ कोयले के अंदर क्या होता है कि जो कोयला होता है, जो कार्बन होता है, उसको हम जब जलाते हैं तो वो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलता है, पूरा हीट प्रोड्यूस करता है। और बाद में जो उसके अंदर जो वोलेटाइल मटेरियल होते हैं, जो वाष्पशील मटेरियल होते हैं, जिससे SO2 सल्फर वगैरह, तो SO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब तो हवा में निकल जाते हैं। और बाकी जो उसके अंदर दूसरी चीज़ें होती है वो सब पाउडर के फॉर्म में, एश के फॉर्म में नीचे बच जाती है। तो जो कोयले का जला हुआ पोर्शन होता है, बाकी बचा हुआ पोर्शन, उसको हम एश बोलते हैं। तो ये एश भी हमारा जो कोयले का जो राख बनती है, ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होती है, ये एक बहुत समस्या काज करती है। सबसे पहले तो क्या करती है कि ये कोरोजिव बहुत होती है और पोल्यूशन काज करती है, यानी प्रदूषण करती है। तो इसके लिए हमने पूरा थर्मल पावर प्लांट में एक पूरा सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एश हैंडलिंग सिस्टम। जो एश बनती है उसको हम हैंडल करना है, उस सिस्टम को हैंडलिंग सिस्टम बोलते हैं। तो एश इज़ द रिजाइड्यू रिमेनिंग आफ्टर द बर्निंग ऑफ कोल एट बॉयलर फर्नेस। जो बॉयलर की जो फर्नेस होती है जहाँ हम कोयला को जलाते हैं, तो कोयला का जब कंप्लीट कंबशन हो जाता है तो उसके अंदर जो वोलेटाइल मैटर्स होता है वो तो गैस के रूप में, फ्राई एश के रूप में निकल जाता है, और बाकी की जो रिमेनिंग होती है रिजाइड्यू, वो राख जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, और एश बन जाती है। तो वो एश को हम हैंडल करना है, और किस तरह से हैंडलिंग इक्विपमेंट्स काम में आते हैं उसके बारे में हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, शायद पिछले लेक्चर में हम बता रहे हैं कि जो इंडिया में जो पाए जाने वाला कोयला है उसमें 10 से 20% तक ऐश होती है, यानी कि दूसरे ऐसे मटेरियल होते हैं जो जलने के बाद बच जाते हैं। तो 10 से 20% तो कोयले का ऐश बनती है, यानी कि 1 किलो कोयले जलाने पर 200 ग्राम ऐश हमें प्राप्त हो जाती है। अब ऐश किस उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, तो इट्स कंपोजिशन इज़ ए एलुमिना Al2, सिलिका SiO2, फेरिक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन सब का मिश्रण होता है। ये सब चीज़ मिलके ऐश बनती है। तो ये ऐश होती है, ये जनरली पाउडर फॉर्म में होती है, है ना। इट इज़ हाईली कोरोसिव, जैसे होते हैं ये बहुत ज़्यादा जंग लगाने वाली होती है, यानी कि ये अगर हम उसको लगा दें तो जिस भी चीज़ के ऊपर रखती है तो ये उसको खजाना शुरू कर देती है, खजाना मीन्स उसको काटना शुरू कर देती है, और ये जंग कारक के रूप में बहुत ज़्यादा जंग कारक होती है ये, तो हाईली कोरोजिव होती है। तो इसको हटाना बहुत जल्दी होता है, अगर इसको हम नहीं हटाएंगे तो हमारा पूरा प्लांट और मशीनरी ख़राब होने लग जाता है, डिटेरिएट होने लग जाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल साइज, इट इज़ 2 टाइप। ये पार्टिकल साइज़ से 2 तरह के होते हैं, यानी कि पार्टिकल साइज़ का मतलब जो हमने एश बची है हमारे पास उसको अगर हम देखें वो कितनी बारीक है, यानी कि उसका एनालिसिस करें तो पार्टिकल निकालें, एक तो होती है बॉटम एश और दूसरी होती है फ्लाई एश, यानी कि इसके अंदर पार्टिकल साइज सब तरह के होते हैं, बिल्कुल बहुत माइक्रोन्स में भी होते हैं, 10^-6, और थोड़े बड़े भी होते हैं। जो भारी पार्टिकल होते हैं वो नीचे बढ़ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं बॉटम एश, और जो इतने हल्के पार्टिकल होते हैं कि वो हवा के साथ ऊपर धुएँ के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके साथ वो धुएं के रूप में ऊपर चिमनी तक पहुंच जाते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्लाई एश, जो बहुत ही फाइन, बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स होते हैं, है ना। और बॉटम एश के अंदर हमें थोड़े भारी पार्टिकल जो हवा के साथ नहीं उड़ सकते तो वो हो जाते हैं। तो 2 तरह के हो गए, फ्लाई एश एंड बॉटम एश। तो इन दोनों को हम अलग अलग तरह से हैंडल करना पड़ता है, वो आगे हम देखेंगे। करीब 200 मेगावाट के पावर प्लांट के अंदर पूरे साल भर अगर चले हो 2000 मेगावाट का, तो करीब 60,000 टन कोल पर एनम जलता है ना। तो उसकी 20% राख हमें
मिलती है और उसको हमें हैंडल करनी पड़ती है। तो राख का एक बहुत बड़ा अमाउंट है, जिस तरह से कोल हैंडलिंग होता है उस तरह से जो राख है, ऐश है, इसका हैंडलिंग भी हमें करना बहुत ही ज़रूरी है, और उसको अच्छी तरह से करेंगे तभी जाके हम इसको प्लांट को अच्छी तरह चला पाएंगे। तो इतनी अमाउंट का हमें ऐश हैंडलिंग करनी पड़ती है पर एनम। ऐश हैंडलिंग से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य बता रहा है कि ऐश हैंडलिंग रेफर्स टू द मैटर ऑफ कलेक्शन, कन्वेइंग, इंट्रीम स्टोरेज एंड लोड आउट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ ऐश रिजाइड्यूज लेफ्ट ओवर द सॉलिड फ्यूल कम्बशन द प्रोसेस। ये सारा क्या है, ये जो डेफिनेशन मैंने बताई वो बता रहा है कि हैंडलिंग से क्या मतलब है। तो ऐश हैंडलिंग या राख को अगर हमें उसका प्रबंधन करना है, उसको डिस्पोज ऑफ करने का, तो उसका क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें उसको ऐश को कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसको बाहर की तरफ प्लांट से बाहर कन्वे करना पड़ेगा, फिर उसे कुछ टाइम के लिए स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि जो ऐश होती है वो भी काफ़ी गर्म होती है, क्योंकि वो कहाँ से निकल रही है, वो निकल रही है बॉयलर से, जहाँ पे करीब 2000-3000 डिग्री टेम्परेचर रहता है, तो वहाँ से टेम्परेचर भी निकल रही है, तो उसको ठंडी होने में भी टाइम लगता है। तो पहले तो हम उसको गर्म गर्म कलेक्ट करते हैं, फिर उसको कम से कम उस बॉयलर से और उस जगह जहाँ राख हम वहाँ से हटाते हैं ताकि दूसरी राख आ सके, और फिर उसका इंट्री कुछ टाइम के लिए प्लांट में ही स्टोरेज करते हैं। यानी कि जैसे हमने कोई बड़ा सा पौंड बना दिया, उसके अंदर डालते सब पैसे ठंडी कर लेते हैं, तो इस तरह से उसे कुछ दिनों तक प्लांट में स्टोरेज करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको अलग जगह भेजने के लिए, जहाँ ग्रुप को काम उसको डिस्पोज ऑफ करना है वहाँ पे हम भेज देते हैं। तो ये सब क्रियाएं उसके अंदर थी, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, कन्वेइंग, इंट्री कुछ टाइम के लिए उसको स्टोरेज करना और फिर उसको आगे की तरफ भेजना, तो ये सब काम हमारा कहलाता है ऐश हैंडलिंग सिस्टम के अंदर आता है। ऐश हैंडलिंग सिस्टम फॉर बॉटम ऐश इंक्लूड सबमर्ज स्क्रैपर कन्वेयर एट्सेट्रा। यानी कि बॉटम ऐश जो होती है वो क्या होती है, बहुत गर्म भी होती है और ज़्यादा कोरोजिव भी होती है, तो उसको हम क्या करते हैं कि एक स्क्रैपर होता है उसके ऊपर, जाली के ऊपर नीचे रख के उसको हटाते रहते हैं स्क्रैपर से, वो उसे ठंडा करते रहते हैं, सबमर्ज करते हैं, यानी कि पानी के अंदर डायरेक्ट उसको गिरने देते हैं ताकि वो गिरती ही ठंडी हो जाए, अदरवाइज़ वो कहीं हवा से और कहीं भी प्लांट में गिरे तो काफ़ी गर्म होती है, इसलिए उसमें निकलते ही हम उसको पानी के अंदर सबमर्ज कर देते हैं, ठंडी कर देते हैं। तो फ्लाई ऐश, जो बॉटम ऐश के बारे में तो बताया था, अब दूसरा बता रहा फ्लाई ऐश, जो बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, जो माइक्रोन्स में होते हैं। तो फ्लाई ऐश हैंडलिंग सिस्टम इंक्लूड्स फ्लाई ऐश स्लरी ट्रांसपोर्टेशन विद बॉटम ऐश। तो फ्लाई ऐश के हैंडलिंग सिस्टम भी हम क्या करते हैं कि उसको स्लरी के रूप में बदल देते हैं। फ्लाई ऐश को हम अलग अलग जगह कलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो एक धुएँ के साथ निकलती है, जो एग्जॉस्ट गैसों के साथ निकलती है, तो हमें ज़्यादा गैस जाती है वहाँ पर उसको एंट्रैप करना पड़ता है इलेक्ट्रोसिट प्रेसिपिटेटर से या चिमनी के वहाँ पर। तो जहाँ जहाँ हम उसको कलेक्ट करते हैं वहाँ उसको पानी में डाल के उसके स्लरी बना लेते हैं, और फिर वापस उसको अगर हम चाहें तो बॉटम ऐश के साथ मिला के और डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। फ्लाई ऐश ड्राई न्यूमेटिक ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सी बार क्या फ्लाई ऐश को हम ड्राई न्यूमेटिक ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं। न्यूमेटिक मतलब हवा के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि एक पाइप में हमने ऊपर से हवा भेज दी, नीचे से हम ये राख डाल रहे हैं और उसके पीछे हम हवा भी चला रहे हैं, तो वह तेज हवा से वो राख उड़ के और आगे तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है। अब ऐश हैंडलिंग सिस्टम का ये पूरा फिगर दिया हुआ है, आपको बहुत ध्यान से देखना है। ऐश हैंडलिंग सिस्टम में क्या है, दो तरह के इसके अंदर आपको बताइए, एक तो पीली लाइन बताइए जो कि फ्लाई ऐश, यानी कि हल्की वाली बिल्कुल बारीक फ्लाई है, वो ऐश इसके अंदर घूमती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ये उसका पाथ ये है, और दूसरी जो ब्राउन कलर की है बॉटम ऐश बोलते हैं उसको, वो इसके अंदर निकल रही है। तो इस पूरे हम उसको बड़ी आसानी से देख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं कि जो कोयला आता है, कोयला जब यहाँ बॉयलर भट्टी में आता है तो कोयला जलने से दो तरह की राख बनती है, एक तो बनेगी नीचे या बॉटम ऐश जो नीचे चली जाएगी, एक जाएगी ऊपर चिमनी का जो उसकी फ्लू गैसेस निकल रही हैं, है ना, जो कि फ्लू गैस के साथ वो निकलेगी आगे की तरफ, है ना। तो इस यहाँ पर हो गया फ्लू गैस का, यहाँ ये फ्लू गैस को पहले हम इकोनोमाइजर में भेजते हैं, क्योंकि फ्लू गैस की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो हम पहले फ्लू गैस को कहाँ भेजते हैं, इकोनोमाइजर के अंदर भेजते हैं। तो यहाँ पे भी वो राख बन के नीचे निकल जाती है, फिर उस फ्लू गैस को आगे हम एयर प्लीटर में भेजते हैं जहाँ टेम्परेचर कम होता है, यहाँ से भी वो फ्लाई ऐश जो राख है वो यहाँ और निकल जाएगी। फिर इसी फ्लू गैस को हम ESP इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में भेजते हैं, ताकि ये क्या करें,
कि जो फ्लाई ऐश है उसको एयर से अलग कर दें और बिल्कुल यहाँ निकलते निकलते जो एग्जॉस्ट गैस है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है, उसके अंदर अब कोई ऐश नहीं बसती और फिर हम उसको इस चिमनी के थ्रू वातावरण में छोड़ सकते हैं। तो अब ये पोल्यूशन काज नहीं कर रही इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं कि एक प्रेसिपिटेटर होता है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चलता है, तो वो इसको पार्टिकल्स को हवा के पार्टिकल से अलग कर देता है, राख पार्टिकल को, इसी का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है। तो जब राख यहाँ बहुत सारी इकट्ठी होती है तो ये सारी फ्लाई ऐश को हम इकट्ठी करके या एक ट्रांसफर बिन में डाल देते हैं, एक जगह इकट्ठी कर लो, फिर उसको हम स्टोरेज करके और ट्रक के द्वारा जहाँ भी उसको भेजनी है तो भेज देते हैं। तो ये हमारा हुआ फ्लाई ऐश का। उसी तरह से दूसरा ऐश जो यहाँ पर हमने पढ़ी बॉटम ऐश के अंदर जो भरी हुई है, तो बॉटम ऐश के अंदर जो राख बची है वो हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट बिन में होपर में डालते हैं, फिर हम इसको यहाँ नीचे प्राइमरी क्रशर में डालते हैं, अगर ये मोटे मोटे इसके लंप बन गए ठंडा, फिर सेकेंडरी क्रशर में डालते हैं और यहाँ बॉटम साइल में भर लेते हैं। तो यहाँ पे हम फिर उसके बाद ऐश पॉन्ड में डाल देते हैं। बहुत सी बार हम यहाँ पर उसको पानी के अंदर ही इकट्ठा करते हैं तो पानी के अंदर जाने के लंप बन जाते हैं, एक डले डले इकट्ठी हो जाती है, फिर उसको वापस हम तोड़ के और यहाँ पर क्योंकि गर्म बहुत होती है यहाँ से निकलती है, क्योंकि यहाँ बॉयलर का टेम्परेचर करीब 2000 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो इतना टेम्परेचर होने के बाद जो निकलने वाली ऐश उसको हम हैंडल नहीं कर सकते, इक्विपमेंट से हैंडल कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर हम उसको क्या करते हैं, पानी में डाल के ठंडी कर लेते हैं, फिर उसको क्रशर में और बारीक कर लेते हैं, फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं उसको बहुत सी बार कि यहाँ पर बॉटम ऐश में भेज के बॉटम ऐश साइलो में भी, साइलो मतलब इकट्ठे करने वाले एक बकेट को हम साइलो बोलते हैं, बड़े बड़े होते हैं उनमें कई टन राख इकट्ठी होती, फिर उसको हम डिलीवरी करके दो ताकि ये ट्रक इसको जहाँ पर भी स्टोरेज करना वहाँ ले जाती है। तो ये पूरा ऐश हैंडलिंग सिस्टम है जो मैंने बताया, फ्लाई ऐश के लिए भी है और बॉटम ऐश के लिए भी है। वो पिछले वाला जो आपका था वो स्केच डायग्राम था, लाइन डायग्राम, ये एक्चुअली जो होता है वो फिगर यह बताया गया है। जैसे कोयला आता है, कोयला भट्टी में जल रहा है तो जो उड़ने वाली राख है वो बारीक पार्टिकल यहाँ क्या उसकी फ्लू गैसेज है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो धुआं बन रहा है उसके साथ में आ जाता है और यहाँ पर आने के बाद फिर यहाँ पे यहाँ से हम इसको इकट्ठा करके न्यूमेटिकली हवा के रूप में या सक्शन में इकट्ठा करके और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यहाँ से भी इकट्ठा करके इस सबको यहाँ इकट्ठी या फ्लाई ऐश सब यहाँ इकट्ठी हो जाती है, फिर इसको हम यहाँ पर डाल देते हैं और ये बड़े बिन के अंदर आ जाती है। उसी तरह से ये जो बॉटम ऐश निकली ये पूरी लोहे की जाली लगी हुई है, यहाँ पर ये बर्निंग हो रही है, बर्निंग होने के बाद जब सब यहाँ पे इसके अंदर आ जाती है तो एक बॉटम ऐश में ये इकट्ठी हो जाती है, फिर यहाँ से लेके हम इसको नीचे यहाँ पे क्लिंकर के रूप में यहाँ इकट्ठी कर लेते हैं, ऐश को पानी से ठंडा करते हैं, फिर वापस इसको यहाँ ला के और साइलो में डाल लेते हैं। अब यहाँ से हम इसका ट्रांसपोर्ट करके चाहे तो इसको इंट्रीम स्टोरेज में रख देते हैं, चाहे तो बाहर भेज देते हैं, और इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में जो धुआँ है एकदम क्लियर एयर हो जाती है और ये क्लियर एयर को हम बाहर चिमनी के द्वारा निकाल देते हैं। तो इस तरह से ये एक ऐश हैंडलिंग सिस्टम है जो लाइन डायग्राम और फिगर के बारे में आपको पूरा बताया है। अब बहुत सी बार ये होता है कि जो ये फ्लाई ऐश का है इसका यूटिलाइजेशन बहुत है आज, है ना, कहाँ कहाँ इसका यूटिलाइजेशन होता है वो आपको अपन देख लेते हैं, कहाँ कहाँ काम आ रहा है। आजकल बहुत ज़्यादा काम आता है फ्लाई ऐश, अब बिकने लगी है। पहले तो इसको हम उठाने के लिए पैसे देते थे, भाई हमारे यहाँ से ले जाओ, अब दूसरी कंपनी आती कि नहीं हम पैसे दे के हमको खरीद के ले जाती है। तो अब जो है ये ऐश की वैल्यू बढ़ गई है, यानी कि अब ऐश से भी उनको आमदनी होने लगी है, पैसा मिलने लगा है। तो पहला इसके अंदर ये कंक्रीट प्रोडक्शन के अंदर काम आता है, जो अपने कंक्रीट बनाते हैं उसको, जो आजकल सिंथेटिक कंक्रीट होती है उसको बनाने के अंदर इसको यूज़ में लिया जाता है, और एज ए सब्स्टिट्यूट मटेरियल फॉर पोर्टलैंड सीमेंट, यानी क्लिंकर के साथ जब सीमेंट में इसको मिलाया जाता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। आपको बताया जाता है कि आजकल जो सीमेंट आता है उसमें कुछ परसेंटेज फ्लाई ऐश का होता है, यानी कि 10% 20% जो सीमेंट है पोर्टलैंड सीमेंट उसमें हम क्या करते हैं ये फ्लाई ऐश मिलाते हैं। तो ये जब बनती है तो हम इसके अंदर पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर ही बनाते, उसमें लिखा रहता है आप अगर का बैग देखेंगे सीमेंट का कि इतने परसेंट 10% इसमें ऐश है टोटल, उसके सीमेंट की क्वालिटी है उसमें ये मिलाते हैं, इसलिए इनकी वैल्यू भी आज का सीमेंट प्लांट के लिए बहुत ही उपयोगी हो गई है।
फिर दूसरा है एम्बार्कमेंट्स एंड अदर स्ट्रक्चरल फिल्स, यानी कि बहुत सी बार क्या होता है रोड के अंदर हमें एम्बार्कमेंट देना होता है, जब रोड को थोड़ा ऊंचा करना होता है, रोड की फिलिंग करनी होती है, तो वहाँ हम क्या करते हैं कि ये फ्लाई ऐश ले जाते हैं और वहाँ फिलिंग करते हैं कि गड्ढे वगैरह होता है, एम्बार्कमेंट्स होते हैं उनको कैम्बर देना होता है, तो हम फ्लाई ऐश को फिल करते हैं। तो रोड वर्क्स में ये बहुत ज़्यादा काम आती है, हाईवेज जो बन रहे हैं रोड वर्क्स में ज़्यादा आती है, सीमेंट फैक्ट्रियों में आती है मैंने बताया। फिर उसके बाद वेस्ट स्टेबलाइजेशन एंड सॉलिडिफिकेशन, वेस्ट जो निकल रहा है अपने वेस्ट को स्टेबलाइज करने में और सॉलिडिफाइड करने में, बहुत सारा जो है अपने सीवरेज लाइन के अंदर इतना वेस्ट जा रहा है, तो अब वो पानी की तरह आगे बढ़ता रहेगा तो और भी नुकसान करेगा, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे ऐश को डाल देते हैं, तो ऐश के साथ मिलके एकदम सॉलिड पत्थर जैसा हो जाता है, फिर उसको कहीं माइंस के खाली रूप में डाल देते हैं तो इकट्ठे पत्थर की तरह बन जाता है। सीमेंट क्लिंकर्स में इसका होता है, जैसे ऊपर बताया सीमेंट कंक्रीट में होता है, उसमें सीमेंट क्लिंकर्स में भी इसका यूज़ आता है, और क्ले की जगह आजकल हम ये फ्लाई ऐश को यूज़ करते हैं। मिनरल माइन रिक्लेमेशन में, हमने कोई माइंस को दी, माइंस अगर कहीं बनी कहीं गड्ढा हो गया बहुत ज़्यादा, तो माइंस बनने के बाद अब उसको वापस हमें फिल करना है, अदरवाइज़ क्या माइंस बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, उसमें पानी भर जाता है, तो वो बच्चे वगैरह मर जाते हैं, पशु पक्षी सब मर जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि इनसे निकलने वाली लाखों टन जो ऐश होती है फ्लाई ऐश जो कहीं काम नहीं आती, दूसरी तरह की मोटी ऐश जो सीमेंट फैक्ट्री में या कंक्रीट बनाने में काम नहीं आती, तो हम क्या फिलिंग के अंदर माइंस के गड्ढे भरने के लिए हम उसके अंदर डाल देते हैं। स्टेबलाइजर ऑफ सॉफ्ट सॉइल, जहाँ बहुत सॉफ्ट सॉइल हो, बिल्कुल गीली सॉइल है, जहाँ मकान नहीं बना सकते हम, नींव नहीं खोद पा रहे हैं, नींव रुक नहीं रही है, नींव खोनी तो बहुत अंदर खोदनी पड़ेगी, तो हम जो फिलिंग करने के लिए हम क्या करते हैं बहुत सारी ये फ्लाई ऐश डाल देते हैं, तो वहाँ इकट्ठी ज़मीन बन जाती है, है ना। फिर एज एग्रीगेट सब्सटीट्यूट मटेरियल, ये ब्रिक प्रोडक्शन में काम आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल सीमेंट की ईंटें बनती हैं, तो सीमेंट की ईंटें बनने के अंदर हम क्या करते हैं कि उसके अंदर हम इसके अंदर एग्रीगेट सब्सटीट्यूट मटेरियल डालते हैं, तो सीमेंट की ईंट बनती है तो थोड़ा हम मिट्टी भी मिलाते हैं, तो सीमेंट की ईंट के अंदर हम क्या करते हैं राख और सीमेंट मिला के वो ईंटें बनाते हैं। आपने देखी होगी आजकल नई सीमेंट की ब्रिक बन रही है, उसके अंदर काम आते हैं। फिर इसका एग्रीकल्चर यूजेज भी होता है बहुत जगह, सोइल की क्वालिटी चेक करने के अंदर आता है, क्योंकि कोरोजी होती है, और शायद इसके अंदर मैंने बताया अपन ने देखा एल्यूमिनिया कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका ऑक्साइड, तो अगर इन मिनरल्स की ज़रूरत हो एल्यूमिनिया सिलिकॉन ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड, तो हम क्या करते हैं उसके अंदर उस फर्टिलाइज़र या सोइल को सोइल की क्वालिटी को चेंज करने के लिए थोड़ा पोर्शन इसको मिला देते हैं। अगर एसिडिक है तो ये थोड़ी बेसिक नेचर की होती है, बेसिक है तो एसिडिक करने के लिए हम उसके अंदर मिला देते हैं। इस तरह से ये जहाँ पर बहुत बर्फ़ गिरती है वहाँ पे रिवर्स के अंदर हम ये डाल देते हैं ताकि बर्फ़ जल्दी पिघल जाए, और जहाँ बर्फ़ नहीं बनाने होती वहाँ भी डाल देते हैं ताकि बर्फ़ से रोड ख़राब नहीं हो। तो इस तरह की इसकी बहुत सी एप्लीकेशन है, मेन जो तीन चार एप्लीकेशन है, एक तो ब्रिक बनाने में, सीमेंट ब्रिक बनाने में, सीमेंट क्लिंकर बनाने में, और सीमेंट में मिलाते हैं, रोड्स बनाने में, एम्बार्कमेंट में, और माइंस को रिक्लेम करने में, ये चार पांच इसकी बहुत इम्पोर्टेंट है जिससे कि आज हमारे इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। अब नया कंसेप्ट आता है, व्हाट इज़ द सुपर थर्मल पावर स्टेशन। सुपर थर्मल पावर स्टेशन इसका नाम है सुपर थर्मल पावर STPC और सुपर पावर स्टेशन, जिसको हम सुपर पावर स्टेशन भी बोलते हैं। ये सीरीज ऑफ एम्बिशियस पावर प्रोजेक्ट्स प्लान्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990s में, यानी कि 1980 से लेकर 1990 तक, उस 90s के शोज में हमारे पास जो पावर प्लांट उस वक्त होते थे इंडिया के अंदर वो 1000 मेगावाट से कम होते थे, जो सारे प्लांट वो छोटे उस वक्त आज से 40 साल पहले करीब, तो हमारी रिक्वायरमेंट भी बहुत कम थी, आज हम उसकी 10 गुना रिक्वायरमेंट बड़ी कर चुके हैं, है ना इलेक्ट्रिसिटी में। तो उस वक्त जो पावर प्लांट थे वो सब 1000 वाट से कम के थे, जितने भी बड़े पावर प्लांट थे, आज उन्हीं पावर प्लांट की हमने कैपेसिटी बहुत बढ़ा दी है, लेकिन उस वक्त जब 1980 से 1990 तक हमारे पास इंडिया के अंदर 1000 से छोटे पावर प्लांट थे, तो उस वक्त सरकार ने सोचा था हमें इतनी एम्बिशियस कि हम सारे पावर प्लांट बड़े पावर प्लांट बनाएंगे जैसे कि फॉरेन में होते हैं, तो उन्होंने कहा कि अब जो पावर प्लांट बनाएंगे वो 1000 मेगावाट का, तो उन्होंने उसको नाम दिया सुपर थर्मल पावर प्लांट। पहले होते थे 200 मेगावाट के, 300 मेगावाट के, 500 मेगावाट के, 600 मेगावाट के, तो वो फिर उन्होंने दिया क्या कि नहीं हम 1000 मेगावाट। तो जब 1000 मेगावाट नाम
का जो पावर प्लांट बनता था उसको वो बोलते थे सुपर थर्मल पावर स्टेशन। ये उस वक्त की बात है 1990 से। तो ये उस वक्त तक सरकार का एक सपना था कि हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करें और उससे हमारे देश की GDP बढ़ेगी। इसलिए उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट बनाया और एक बहुत सारे सीरीज ऑफ पावर प्रोजेक्ट शुरू किए जो सब 1000 मेगावाट के थे। उनका नाम था सुपर थर्मल पावर स्टेशन। तो इंडिया ने कहा भी अब हम हमारे यहाँ पर सुपर थर्मल पावर स्टेशन लगाएंगे, छोटे छोटे नहीं लगाएंगे, 200 मेगावाट के। तो सबसे पहला जो लगाया था वो रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन लगाया था, वन ऑफ द बिगेस्ट थर्मल पावर स्टेशन इन इंडिया। इट्स कोल बेस्ड पावर स्टेशन सिचुएटेड रामागुंडम इन करीमनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश में लगाया था 1983 के अंदर, और उस वक्त उसकी जो थी वो 1000 मेगावाट का। तो हमने वहाँ पे 1000 मेगावाट की 2 यूनिट लगाई थी और 1 यूनिट 600 मेगावाट की। तो इस तरह से उसको 1983 में 600 मेगावाट का सबसे बड़ा पावर प्लांट माना जाता था। आज की तारीख में ये बहुत कम है, लेकिन उस वक्त हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, इसलिए हम उसको बोलते थे सुपर थर्मल पावर स्टेशन। और ये सब NTPC के अंदर चलते थे, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के अंदर चलते थे, है ना। उस वक्त प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ था, ये सब गवर्नमेंट में चलते थे, इसलिए गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था और ये उसके अंदर बनाए थे। तो इसको हम सुपर थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं जो 1000 मेगावाट का होता है। अब नया कंसेप्ट आ गया बिल्कुल, जब हम 2020 की बात करते हैं, 2019 की बात करते हैं, तो अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, UMPP, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट। अब जिस तरह से कि देश के अंदर प्राइवेटाइजेशन बढ़ा है, गवर्नमेंट से जो ये सेक्टर है प्रोडक्शन का ये बाहर निकला है, सीमाएं खुली है प्राइवेट के लिए, तो जो प्राइवेट वालों को सीमा खुली तो उन्होंने अपना बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि इसके इन्वेस्टमेंट से वो खुद इंडस्ट्री भी रिलायंस होती है, उनके खुद की इंडस्ट्री को भी सेल्फ रिलायंट होते हैं और वो दूसरों को भी बिजली देते हैं। तो एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट मांगा गया और बड़ी बड़ी प्राइवेट पार्टियाँ हैं, और आज की तारीख में हम अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट UMPP बनाते हैं, जिनकी कैपेसिटी 4000 मेगावाट की होती है। एक एक पावर प्लांट की कितनी है, 4000 मेगावाट की प्लांट। तो ईच विद अ कैपेसिटी ऑफ 4000 मेगावाट और अबव आर बींग डेवलप्ड विद एन एम ऑफ सेल्फ रिलायंट इन पावर सेक्टर। दीज आर अल्ट्रा मॉडर्न विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए अल्ट्रा मॉडर्न भी हैं, यानी कि वो पावर प्लांट और आज के पावर प्लांट जमीन आसमान का फर्क है। पहले पावर प्लांट में आप अंदर घुसते थे और वापस बाहर निकलते थे तो आप पूरी ऐश के अंदर आप मिट्टी में हो जाते थे, मतलब फ्लाई ऐश के अंदर पूरी मिट्टी में हो जाते थे। लेकिन अभी इतने मॉडर्न अल्ट्रा पावर प्लांट के ना तो इसमें आवाज़ होती है और बिल्कुल साइलेंटली वर्क करते हैं, ऑटोमेटिक, पूरा ऑटोमेटिक, और पूरा ये कंप्यूटराइज्ड होता है, पूरा कंप्यूटराइज कंट्रोल्ड होता है। इसलिए इसको अल्ट्रा मॉडर्न लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के पावर प्लांट्स बोलते हैं। मोस्टली दीज आर रिसेंटली डेवलप्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, बनाए हैं, मैंने बोला जैसे आपको टाटा पावर है, अडानी ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है, इन सब ने 4000 मेगावाट के गुजरात में तो लगे रखे, गुजरात, बॉम्बे, सब जगह लगाए हुए हैं, और ये नेशनल ग्रिड को सप्लाई करते हैं, सरकार से पैसा भी चार्ज करते हैं, इनकी खुद की फैक्ट्री भी चलाते हैं। तो अब ये उससे 4-5 गुना बड़ा है सुपर थर्मल पावर प्लांट से। तो ये हो गया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, जो बहुत मॉडर्न भी हैं और बड़ी कैपेसिटी के भी हैं। फिर कंबशन इक्विपमेंट, ये हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तो मैं अपने लेक्चर को ये ख़त्म करता हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे फ़ोन नंबर से मुझसे बात कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप में कंबशन इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।